धम्म पद अठ गाथा, गाथा क्रमांक 21, 22 और 30। आज दिनांक 28 जून 2024। ये धम्म पद के बड़े ही प्रेरणादायक और बड़े ही मंगलमय गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने कौशाम्बी में रहते समय घोषिता राम इस विहार में ये देशना बुद्ध ने की थी। तीन गाथाएं हैं जो सामावती प्रमुख ऐसे उस महिला को देशना देते हुए तथागत बुद्ध ने ये महत्वपूर्ण गाथाएं कही। अमत अपमादो अमत पदं, पमादो मच्चुनो पदं, अपमत्ता न मीयन्ति ते पमत्ता यथामता, एतं विशेषतो यत्वा अपमादम ही पंडिता, अपमादे प्रमोदन्ति अरियानं गोचरे रता, तेजाइनो सातत्तिका निच्चं दर्ढ़ परक्कमा, फुसंती धीरा निब्बानं योगक्षेमं अनुत्तरं। ये प्रमाद अप्रमादी रहना, ये बड़ा ही कल्याणकारी है, बड़ा ही मंगलकारी है। अप्रमाद का मतलब आलस नहीं करना, प्रमाद नहीं करना, काम को नहीं टालना, हमेशा उद्योगशील रहना, हमेशा तत्पर रहना, उद्योगी रहना कि कुछ न कुछ मुझे करना है, हमेशा जागरूक भाव बनाए रखना और हमेशा निरंतर अपनी सती यानी स्मृति जागृत भाव निरंतर पल पल बनाए रखना, हर पल हर समय निरंतर जागृत भाव, इसे कहते हैं अप्रमाद। और जो प्रमाद होता है, ये प्रमाद को ये मृत्यु जैसा मानते हैं। अप्रमाद जो है यानी प्रमाद नहीं करना, ये जागरूकता के लक्षण है, जागरूकता के लक्षण है कि हम जीवित है, जागरूक है, इसके लक्षण है अप्रमाद यानी आलस नहीं करना। और हम आलस करते रहे, सोते रहे, नींद लेते रहे, अधिक से अधिक अपना समय केवल आलस में और ऐसी वैसी बातों में बिताते रहे, तो इसे कहते कि प्रमाद में, आलस में अपने समय को हम बिता रहे हैं। तो प्रमाद को मृत्यु के जैसा बताया गया है। प्रमादी रहना मृत्यु है, लेकिन अप्रमादी रहना, जागरूक रहना, हमेशा कार्यशील रहना, निरंतर जागरूक रहना, ये जागरूकता के लक्षण है और वो जीवितता के लक्षण है। इसे हमेशा पंडित लोगों ने जानकर समझकर रहना चाहिए, उसी में ही अपना समय बिताना चाहिए। अप्रमादी रहकर, हमेशा जागरूक रहकर, तेजाई ने सातत्तिका निचंग दृढ़ परक्कमा, निरंतर जागरूक रहकर ध्यान करने का प्रयास करे, बड़े परिश्रम करके, फुसंती धीरा निब्बानं योगक्षेम अनुत्तरं, तो वह व्यक्ति निर्वाण का, अर्हत्व का, ऊंचे से ऊंचे पदों का साक्षात्कार कर सकता है। यही बात तथागत बुद्ध ने यहाँ पर कही। और इस गाथा के साथ बड़ी अच्छी अच्छी बहुत कहानियाँ जुड़ी हुई है, तो कहानी भी तथागत बुद्ध ने इस गाथा के साथ बताई। एक समय अति थे, अल्लकप्पर रठे अल्लकप्पर राजा नाम, वेठी वेठ दीपक रठे वेठ दीपक राजा नाम, ती इमे द्वे दहर काल तो पट्ठा सहायिका उत्वा। तो अतीत काल की एक कथा तथागत बुद्ध ने बताई कि पुराने समय में अतीत काल में अल्लकप्प राष्ट्र का एक अल्लकप्प नाम का राजा था और दूसरा वेठ द्वीप राष्ट्र का एक
विठ्ठ दीपक नाम का राजा था, और ये दोनों राजा वो बड़े मित्र थे एक दूसरे के। एक ही गुरु के पास दोनों ने शिक्षा ली, ज्ञान पाया, और दोनों ने बड़ी मित्रता अपनी बहुत अच्छी तरह निभाई। और उसमें जो इनका राज्य था, दोनों भी अपने पिताजी के चले जाने के बाद उस राजा के वो राज्य के प्रमुख बने और राज्य करते रहे। लेकिन एक दिन बार बार वो कभी इकट्ठे भी आते थे, चर्चा भी करते थे, तो एक दिन वो इकट्ठे आकर, दोनों इकट्ठे आ गए, हमेशा आते थे, तो इकट्ठे आकर चर्चा करने लगे कि देखो भाई, आप भी राजा हो, मैं भी राजा हूँ, माता पिता से तो हमें राज्य मिला है, लेकिन हम देख रहे हैं परलोकं गच्छतं अनुगच्छन्तो नाम नत्थी अंतमसो अत्तनो शरीरं पि नानुगच्छन्ति सब पहाय गत्तं बं किं नो घरावासिन पब्बजिसामा। तो दोनों ने मिलकर विचार किया कि देखो, यहाँ से मृत्यु के बाद, यहाँ से मृत्यु होकर जब हम परलोक जाते हैं, तो उस समय कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं आती। जो भी हम देखते हैं, ये सब वस्तुएं देख रहे, जो राज्य देख रहे, मेरी जमीन जायदाद ये वो सब कुछ हम देख रहे, लेकिन एक दिन हमसे चला जाता है, ये हमारे साथ कोई भी नहीं आता है। नानु शरीरं पि गच्छति, इतना ही नहीं, ये तो बाहर की वस्तुएं तो नहीं आती, ये महल, राजमहल, ये बिल्डिंग, ये वस्तुएं, ये सारी मेरा धन दौलत सब कुछ, ये कुछ भी नहीं आता है। इतना ही नहीं तो अत्तनो शरीरं पि नानु गच्छन्ति, अपना शरीर, मेरा शरीर भी मेरे साथ नहीं आता। ये तो सत्य है, तो जब ये सत्य है तो क्यों ना हम इससे ऊंचे अच्छे जीवन को समझने का प्रयास करें और दूसरे रास्ते पर चलने का प्रयास करें, तो ये घर बार छोड़कर हम प्रबुद्धित हो जाए, और प्रबुद्धित होकर ऋषि प्रबुद्धि लेकर हम अलग मार्ग पर चलने लगे, तो हमारा कल्याण होगा, जीवन सार्थक होगा। ऐसा उन दोनों ने संकल्प किया, सोचा, और एक दिन दोनों मित्रों ने अपने राज्य को अपने लड़के बच्चों को सौंप दिया है कि भाई अब तुम संभालो और हम अब ऋषि प्रबुद्धा लेकर हम प्रबुद्धित होने जा रहे हैं। तो ऐसा दोनों ने संकल्प किया, अपना राज्य अपने लड़के बच्चों को दे दिया, और उसके बाद वो दोनों हिमालय पर्वत की तरफ चले गए। और ऋषि प्रवज्जा उन्होंने ली, और दोनों हिमालय पर्वत के नज़दीक एक पर्वत पर दोनों रहने लगे, कुछ लंबे समय तक रहने लगे। और वहाँ रहते हुए ये दोनों हमेशा इकट्ठे आकर चर्चा करते थे, रहते थे, एक दूसरों को बल देते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने ऐसा भी सोचा कि इस हम यहाँ रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कमियाँ हम भी दिखाई देती है, क्यों ना हम अलग अलग रहकर अपना अभ्यास करें, क्यों हम एक साथ रहे, तो चलो तुम इस पर्वत पर रहो, मैं उस पर्वत पर जाता हूँ और मैं वहाँ रहूँगा, तुम यहाँ रहो। ऐसा दोनों ने तय किया, और उसके बाद उनका एक मित्र दूसरे पर्वत पर चला गया और बोले तुम वहाँ, मैं वहाँ अभ्यास करूँगा, तुम यहाँ अभ्यास करो। और पूर्णिमा के दिन, जो उपस्थित का दिन होता है, उस दिन तुम अग्नि जलाया करो, मैं भी अग्नि जलाऊँगा, और ये हमारे जीवित रहने का संकेत हमें मिलेगा कि हम दोनों जीवित हैं, इसका संकेत हमें मिलेगा। तो इस प्रकार ऐसा उन्होंने तय किया, और फिर दोनों अलग अलग जुदा होकर
अलग अलग पर्वत पर रहने लगे और अग्नि वो जलाते रहे हर पूर्णिमा के दिन, और एक दूसरे को दूर से ही वो अपना अस्तित्व बताते रहे कि मैं भी अभ्यास कर रहा हूँ, तुम भी अभ्यास कर रहे हो, मैं भी जीवित हूँ, तुम भी जीवित हो। तो ऐसा वो करने लगे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि ये जो अल्लकप का जो राजा है, जो तपस्वी, उसका नाम भी अल्लकप तपस्वी रखा गया। तो अल्लकप तपस्वी को एक मंत्र मिलता है, उसका जो मित्र है कुछ दिन से वहाँ अग्नि जली नहीं, तो उसने कहा कि अरे वो तो अब चल बसा होगा, जब अग्नि जली नहीं तो वो नहीं रहा होगा, ऐसा इसने सोच लिया। और फिर वो अकेला अल्लकपक नाम का ये राजा मतलब ऋषि अकेला रहने लगा, और अकेला रहते समय ये जो उनका मित्र जिनकी मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु होकर वो महेशक को देव राजा हुत्वा निब्बतो वेठी अपर भागे वेठी कप तापसो, जो वेठी कप नाम का तपस्वी था, तो उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद वो देव राजा करके उसका पुनर्जन्म होकर वहाँ पर वो उत्पन्न हुआ। और फिर कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद वो अपने मित्र को मिलने के लिए आता है, लेकिन वैसा नहीं, वो अपने रूप को बदल देता है, और अपने रूप को बदल कर एक प्रवासी जैसा अपने को बनाकर वो अपने पुराने मित्र को मिलने के लिए आता है, और वहाँ पूछने लगा कि भाई कैसे हो आप कहाँ से आए हो। एक दूसरे को वो मतलब परिचित जब हुए तो उन्होंने अपना उसने पूछा कि आप कैसे रह रहे हो, तो मैं तो बोले ठीक रहता हूँ, क्या हो, मेरा मित्र तो चला गया होगा, मुझे वो दिखता नहीं है, वहाँ अग्नि नहीं जलती दिखती है। तो फिर उसने अपना रूप उस पहले का जैसा अपना रूप बना लिया, और उसने कहा कि देखो मैं ही तुम्हारा मित्र हूँ, मेरी मृत्यु हो गई, मेरा पुनर्जन्म हो गया है, और आज मैं देव राजा के रूप में मैं पैदा हुआ हूँ, तो वहाँ मुझे तुम्हारी याद आई कि तुम कैसे रहते हो, इसलिए तुम्हें मिलने के लिए मैं आया हूँ। अब बताओ भाई, कोई तुम्हें तकलीफ हो, परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं तो अभी देव राजा करके निर्माण हुआ हूँ, ऐसा वो अपने मित्र को बताने लगा। तो उसका मित्र जो था ये अल्लकप तपस्वी तो कहने लगा कि देखो भाई, यहाँ तो मुझे एक ही परेशानी है, और वो परेशानी यहाँ जो मैं साफ सफाई करता हूँ, रहता हूँ इस पर्वत पर, अपनी कुटी को अच्छा रखता हूँ, लेकिन यहाँ बहुत सारे हाथी आते हैं, और हाथी आकर इस जगह को वो गंदा करके चले जाते हैं, वो तो इससे मुझे बहुत परेशानी होती है, तो ये मैं बहुत परेशान हूँ। तो उसने कहा कि देखो परेशान मत हो जाओ, मैं तुम्हें उस हाथी के परेशानियों से मुक्त कराऊंगा। तो ऐसा करके उन्होंने एक वीणा उनको दे दी कि देखो ये वीणा को रखो, और उसके साथ उन्होंने तीन मंत्र उसको बताया, और ये वीणा के जो तीन तार है तुम ऐसा करो, उसे कहते हैं हत्थी कंत वीणंग देतवा, उसे हत्थी कंत वीण ऐसा वीणा कहा जाता है, तो वो हत्थी कंत वीणा उस देव राजा ने अपने ऋषि मित्र को दे दिया, और उसको कहा, बताया उसने को, देखो ये मंत्र मैं तुम्हें बताता हूँ, और ये वीणा तुम बजाना, तो ये वीणा जब बजाओगे तो वीणा बजाते ही पहला ये तार ऐसा कि ये बजाते बराबर सारे हाथी भाग जाएंगे, वो पीछे देखेंगे भी नहीं, ये तार बजाओ और ये मंत्र कहो तो सारे हाथी भाग जाएंगे, पीछे भी नहीं देखेंगे। ये एक तार की करामत है। फिर दूसरा कि ये तार यदि दूसरी बजाओगे तो दूसरी तार बजाते वक्त वो सारे हाथी दौड़ के चले आएंगे, जहां भी कहीं हो
जिधर उधर से जिधर उधर से उधर से वो दौड़ के चले आएंगे। तो ये करामत दूसरे तार में है, दूसरे मंत्र में है। और तीसरे में, तीसरा जब बजाओगे तो वो तार में उन हाथी का जो प्रमुख है, उसका जो मुख्य मुखिया है उस हाथी समूह का, तो वो आकर झुक कर आपके पास आएगा और आपके पास आकर विनम्रता से वो अपनी पीठ आपके पास रखेगा और कहेगा कि मुझे आज्ञा दो, क्या चाहते हो, क्या मैं सेवा करूं। तो ऐसे वो जो हाथी का प्रमुख आकर तुम्हारे सेवा में लग जाएगा। तो ये उन्होंने मंत्र उनको दिया और वो देवता जो उसका मित्र है उससे मिलकर वो चला गया। और ये अभी उसने सही में उस वीणा को बजाने का प्रयास किया तो उसने पहली तार बजाई। तार बजाते ही जितने भी हाथी जहां हुआ थे सब भाग गए, पीछे भी देख नहीं पाते, डर से सब भाग गए। फिर दूसरी तार उन्होंने कुछ समय के बाद बताई तो सारे हाथी जहां वहां से आकर इकट्ठे हो गए। और फिर तीसरी तार बजाई तीसरी बार, तो उसमें से जो हाथी का प्रमुख मुखिया वो उनके पास आकर विनम्रता से पास आकर अपनी पीठ उसके सामने रखकर कहता है कि बताओ मैं क्या सेवा करूं, पूछता है। तो इस प्रकार ये उसके मित्र ने जो भी देव राजा बना था ये वीणा उसको दे दी। और इस प्रकार वो बहुत सुख शांति से वो अल्लकप ऋषि रहने लगा। अब बात की कहानी हम आपको बाद में बताएंगे कैसे क्या होता है। बहुत बड़ी कहानी इसके साथ जुड़ी हुई है, बड़ी प्रेरणादायी कहानी है। और ये प्रमाद नहीं करना, आलस नहीं करना, हमेशा जागरूक रहना, अपने चित्त को हमेशा जागरूक जागरूक निरंतर जागरूक अवस्था में रखना बड़ा कल्याणकारी होता है। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। हम इसकी अगली कहानी अभी आपको पार्ट के रूप में बताएंगे, उसको सुनिए और प्रेरणा लेकर अपने जीवन को धन्य करिए। मंगल हो आप सभी का, सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, यही मंगल मैत्री आप सभी के लिए हम भेज रहे हैं। आप सबका सबका मंगल हो, साधु साधु। इस सीडी को आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सबका सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, साधु।